10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार मानवता के हक में। पिछले दिनों राम सेतु राम मंदिर परिसर में दिवाली के अवसर पर बड़े ही नेक और पाकिजा जज्बे के तहत दिवाली महोत्सव का आयोजन किया गया। दिवाली स्नेह मिलन के नाम से तकरीब बड़े ही पुरवकार अंदाज में अमल में आई, जिसमें मिठाई और नमकीन तकसीम किया गया। इस पूरे प्रोग्राम की खासियत ये थी कि इसमें सभी सियासी, सामाजिक और मजहबी लोगों को मदऊ किया गया था। जहाँ एक तरफ मुख्तलिफ शोबे से जुड़े लोग इस तकरीब का हिस्सा बने, वहीं समकसर मस्जिद और समकसर इलाके के मुस्लिम लोगों ने भी अपनी नुमाइंदगी दिखाते हुए मिठाई खिलाकर इस तकरीब के जिम्मेदारान को दिवाली की मुबारकबाद दी। गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे के मिसाल ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। जिम्मेदारान में से बंटी भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपनी बातों को रखा और इस तकरीब की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। आज का मकसद एक ही था, जैसे हम हिंदू लोगों के बीच में दिवाली का सन सबसे बड़ा माने गया है। इसका कारण भी ऐसा है कि राम जी की वापसी हुई थी, असत्य के ऊपर सत्य की विजय करके रावण जैसे महापापी को उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज लंका के पास से अयोध्या की ओर आए थे और आज उनका राज्याभिषेक हुआ था अयोध्या नगरी के बीच। इसके बदौलत हम हिंदू कुटुंब दिवाली का पर्व दीपोत्सव के साथ में रोशनाई करते हुए हम लोग मनाते हैं। इसका मकसद ऐसा है, खुशियाँ बांटना और दीप लगाना। दीप लगाते के साथ ही अंधेरे के बीच में एक रोशनी आ जाती है और रोशनी आते के साथ मानो हर किसी के जीवन में आनंद आ जाता है। बस माँ भगवती की हम लोग आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले साल के बीच में माँ हर किसी को आनंद दे, हर किसी के जीवन में बरकत से नवाजे, हर किसी के जीवन में कठिनाई जो समस्याएँ होती उस समस्याओं में से बाहर निकलने की माँ सबको शक्ति दे। साथ ही साथ आने वाले साल के बीच में हर किसी की तासीर जिसको रोगराई बोलते हैं आरोग्य संपदा रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस दिन धनत्रयोदशी के दिन हम लोग धनतेरस के दिन ये पूजा करते हैं। साथ ही साथ अपने पास रहने वाली जमा पूंजी उसे भी बरकत की प्रार्थना हम परमेश्वर के पास करते हैं कि भगवान हमें आने वाले साल के बीच में सफल बनाए, यशस्वी बनाए और हमारे ऊपर जो कठिनाई और जो गलत चीज़ों का साया है वो दूर जाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और 5 दिन बड़े हंसी खुशी के साथ में यह प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। आज इस जगह के ऊपर हमने दीपावली स्नेह मिलन एवं फराल का वाटप का प्रोग्राम किया है। इस फराल के प्रोग्राम के बीच में जैसे आप देखने जाएंगे कि यहाँ पर राम मंदिर के यहाँ पे मालेगांव के सभी लोक प्रतिनिधि के साथ ही साथ सभी सामाजिक संगठन, सभी राजकीय पक्ष और राजकीय पक्षों के साथ में सभी जात और मज़हब से कनेक्टेड हुए सभी बंधु भाव हम लोग यहाँ पे एक जगह पे आए थे। इसके बीच में संगमेश्वर मस्जिद के मौलवी साहब भी आए थे। संगमेश्वर के बीच में जो हिंदू मुस्लिम अमन कमेटी उनके सारे मेम्बरान यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इन्होंने हमें शुभकामना दी और दीपावली के लिए उनका उनके तरफ से हमारा फूल लेके सत्कार भी किया गया और हमें मिठाई देके हमारा मुंह भी मीठा किया गया। यहाँ पे हमने आज इस जगह पे फराल लेते फराल के इस प्रोग्राम के बीच में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना। बढ़ते मोबाइल के ज़माने में हम सब देखते कि केवल मोबाइल इस्तेमाल करने से, गुड मॉर्निंग का मैसेज बोलने से आदमी मैसेज तो गुड मॉर्निंग होने के बाद में सिर्फ मैसेज पुरता रह जाता है। आज यह जगह पे मिलने की वजह से एक दूसरे को समझता आदमी, एक दूसरे के पास जाता है और एक दूसरे से प्रेम करता है। आने वाले जीवन के बीच में एक दूसरे को बधाई देने का एक छोटा सा मकसद यहाँ पे मालेगांव के बीच में हमने राम सेतु हाल ही में हमने 2 दिन के पहले मौसम पुल के ऊपर जो शहीदों की यादगार बोल के एक फौजी टैंक रखा गया है जिसको शौर्य स्थल भी कहा जाता है, शहीद तीर्थ भी कहा जाता है। उस शहीद तीर्थ के ऊपर हमने 251 दीवे लगा के बॉर्डर के ऊपर जो जवान शहीद हुए 1965 की युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे उनकी यादगार बोल के आज मालेगांव शहर में यह चीज़ रखी गई है। हमने वो दीप लगाते हुए शहीद कुटुंबियों को, शहीद परिवार को हमारे ओर से श्रद्धांजलि दी और ख़ास करके जनाधिकार रक्षा मंच ने यह सब कार्यक्रम किया है। हाल ही में कल के दिन श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से 450 साल पुराने भुईकोट किले के ऊपर भी आकर्षक विद्युत रोशनाई करते हुए LED शो का आयोजन किया। साथ ही साथ वहाँ पे भी दीपोत्सव किया है। सैनिक
सैनिक बोल तो स्वतंत्र के पहले के भी सैनिक थे, राजा महाराजा के ज़माने में भी सैनिक थे, साथ ही साथ आज फौजी और पुलिस दल में काम करने वाले भी सैनिक हैं। सभी की शहादत को ध्यान में रखते हुए एक एक दिया अमर जवान के नाम से ये हमने प्रोग्राम किया था, जिसमें मालेगांव के अहदे के सभी PI API डिप्यूटी धोंदे मैडम से लेके सिटी पॉलिटिशियन, कैंप पॉलिटिशियन, छावनी पॉलिटिशियन, किला पॉलिटिशियन के सभी प्रमुख PI साहब वहाँ पे प्रमुख अतिथि बोल के उपस्थित थे। धन्यवाद। मानव समाचार इसके बारे में आप देखते हो पूरे मालेगांव शहर के बीच में नहीं पूरे महाराष्ट्र के बीच में यह एकता देने का काम करता है, जिसका नाम ही मानव और मानवता से जुड़ा हुआ है, जो अमन और शांति का पैगाम लेते हुए कर रहा है आज इस जगह पे आया और दीपावली के इस पावन पर्व के ऊपर सभी हिंदू भाई लोगों को मानव समाचार की तरफ से भी शुभेच्छा मिलती है। हम मानव समाचार के समस्त संपादक एवं एडिटर के साथ में संपूर्ण टीम का हम लोग उन्हें भी हम बहुत सारी शुक्रिया करते हैं और उनका बहुत दिल से उनका हम स्वागत करते हैं। ऊपर वाला उनको जल्द से जल्द और बहुत अच्छे से अच्छे उनको कामयाब करें ये विनंती करता हूँ।